खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां कोतवाली थाना सरामेर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा फंतानपुर की रहने वाली सावित्री पत्नी धर्मवीर गौतम के घर रात में चोरी का मामला सामने आया, जिसमें सावित्री देवी लगभग एक हफ्ते से अपने मायके गई हुई थी। सूचना मिलने पर जब अपने घर फतनपुर सुबह 6 बजे मौके पर आकर देखे तो घर का दोनों दरवाजे का ताला टूटा हुआ था, जिसमें पीड़ित महिला का काफी नुकसान हुआ है। वहीं मौके पर सरामेर थाना प्रशासन भी पहुंचा। जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला का लगभग 50,000 का नुकसान हुआ है। घटना के संबंध में पीड़ित महिला ने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। बताइए चाची, हमारे कहाँ कराने वाली है? फतनपुर। आप रात में यहाँ थी? नहीं, हम सवेरे आया है ना, दरवाजा खुला रहा। अच्छा, क्या नाम है आपका? सावित्री। कहाँ कराने वाली है? फतनपुर। क्या मामला हुआ है आपके घर? सर, चोरी हुई है। कैसे आपको पता चला चोरी हुई है? सर, सुबह हम अपनी माँ के घर पे थे, आज 6-7 दिन से गए थे, और सुबह यहाँ से फोन गया, वो भी हमारी सास देखी है, तो ये फोन कराई किसी दूसरे लड़के से कि उनको जैसे वो बुलाओ, उनका ताला टूटा हुआ है। तो यहाँ पर आपने प्रशासन का हेल्प नहीं लिया? प्रशासन जी लिए, वो आए थे पुलिस। तो प्रशासन क्या बताया? वो जैसे लिख के लेके गए हैं, बोले आप लोग दरखास्त छोड़िए, आके एप्लीकेशन डालिए। इसका आवेदन थाने में दे दिए हैं आप? तो अभी तो जैसे लिख के नहीं दिए हैं, वो लोग लिख के लेके गए हैं। तो कितने का नुकसान आपका हुआ होगा? नुकसान बहुत हुआ है हमारा। लमसम तब भी कम से कम 40-50 हजार हमारा गया है, पूरा गहना गया है हमारा, मोबाइल गई है, और जो है कि बच्चों का गुल्लक था उसमें भी पैसा था, वो भी गया है। कितने दिन से आप इस घर में नहीं थी? आज 3-4, हम लोग आज 1 हफ्ते से नहीं थी मैं इसमें। प्रशासन से क्या मांग करना चाहती हैं? हमें जो है कि हमारा जो है कि हमें जो है कि चोर पकड़ा जाना चाहिए और हमारा सामान मिलना चाहिए, क्योंकि आज तो एक बार हुआ, फिर कभी हम कहीं जाएंगे 2-4 दिन के लिए तो फिर वही काम करेंगे ना। किसी पर शंका आपको है? शंका तो वैसे नहीं हमें किसी पे है, हम तो नहीं बता सकते। जो भी लेकिन कोई बाहर से नहीं आया है, इसी गांव का ही है, जो भी चोर है बाहर से नहीं आए हैं। आप शासन प्रशासन से मांग करना चाहती हैं हमको न्याय मिले? जी, हमें न्याय मिलना चाहिए। आप अपना नाम एक बार पुनः फिर से बताएं, पता बताएं। सावित्री। घर कहाँ? फतनपुर थाना सरायमीर। आप अपना परिचय दीजिए। मैं नूरुद्दीन छोटू, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत जनपद आजमगढ़। आपके गांव में क्या घटना हुई है? आज रात में हमारे गांव में सावित्री देवी पत्नी, उनके पति का नाम धर्मवीर जी है, उन रात में उनके यहाँ पता चला कोई चोर आ गए, चोरी करके ताला उठा ले गया। वो उनकी पत्नी गई हुई थी माइकिल रात में, सुबह में उनकी सास जाकर देखी, पता चला ताला टूटा हुआ है। तो फिर उन्होंने अपनी बहू को सूचना दी, उनकी बहू आई, उन्होंने मुझको सूचना दी, हमने थाने को सूचना दी। थाने से लोग आए, 100 नंबर आई, थाने से पुलिस वाले आए, प्रभारी साहब को हमने सूचना इसी दे दी है। प्रभारी साहब ने कहा है कि जल्दी दे दीजिए, हम जो भी होगा हम उसकी कार्रवाई करेंगे। थाना प्रभारी का नाम? थाना प्रभारी इसमें संजय सिंह साहब हैं, वर्तमान प्रभारी साहब है, वो है नहीं, समय शायद छुट्टी गए हुए। मौके पे प्रधान जी आप वहाँ गए थे? जी। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? लगभग उनका 200,000 का नुकसान हुआ। पीड़ित महिला का रही 50,000 का हुआ है। हाँ, तो फिर भाई उसका जो भी अंदर चोर हुआ होगा वही जानते हो कि उसने मुझे जो बताया ये चोरी हुआ, नगद भी चोरी हुआ होगा। चूँकि उसका सामान जो था मुझे पता है नहीं क्या था क्या नहीं था, बस ये उसने बताया कि कोई मंगलसूत्र को चोरी हुआ है, अंगूठी चोरी हुई है और पायल चोरी हुआ है, यही सब उन्होंने बताया। अब क्या वास्तविकता है वही बता सकते हैं जिनकी चोरी हुई, मैं तो आकलन कर ही सकता हूँ ना भैया।